उनका जनाब चलता है नजम, उस सब के सरबरा तुम खुद और तुम्हारा बाप है। और हमसे तवक्को करते हैं कि कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। मैंने कहा आपके लिए हमने सिर्फ लितर एडजस्टमेंट रखी हुई है। भाई इसलिए कि सीट, मेरी बात सुनो, बात सुनो, ताली नहीं मारनी, ताली नहीं मारनी। वो हमने नारा लगाना है जिससे इनके जिगर पिघलते हैं, नारा हमने वो लगाना है। और एक मुनाफ़िक़े आज़म ज़लील आज़म साहब को आजकल अमर बिन मारूफ, अमर बिन मारूफ आई हुई है। और मैंने कहा भाई अमर बिन मारूफ जिनके नामे नामी से नेकी नेकी बनी है ना, पहले उनकी इज्जत की तो बात करो। अमर बिन मारूफ तो बाद में है, पहले जिनकी वजह से हमें दीन मिला है, नेकी मिली है, राय हिदायत मिली है, पहले उनके नाम की तो बात करो। ये दो नंबरियां नहीं चल सकती। और काश के वो वक्त तुमने ना खोया होता। तुम्हें आना तो मैदान में ही पड़ा है ना, हम तुम्हें कहते थे ये कुर्सी चार दिन की है, आना तुमने कौम में ही है और तुम्हें लगाना मैदान ही पड़ेगा। काश के ये मैदान तुमने हुजूर की नामूस के लिए लगाया होता, काश के ये बयान तुमने हुजूर से ही दुआ। और जो बड़े पढ़ी लिखी हुकूमत लेकर आए और बड़े समझदार लोग लेकर आए कि ये मुल्क को संभालेंगे, उन पढ़े लिखों ने पाकिस्तान का हाल ये किया कि पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी रिस्क पर था, इसको सरहदी खतरात थे, अब ये माशी रिस्क पर है। ये पढ़े लिखों ने हाल किया है इस पाकिस्तान का। और ये समझते हैं कि तहरीक लबैक वाले ऐसे ही उठकर आ गए हैं, इनको मईशत का क्या पता हो। मैंने कहा हमें सिर्फ वक्त वक्त की, और वो वक्त भी दूर नहीं है इंशाल्लाह। मईशत दुरुस्त करना पढ़े लिखों का काम है ही नहीं, मईशत दुरुस्त करना डंडे वालों का काम है। अगर पढ़े लिखों का काम हो गए तो आज जहांगीर तरीन साहब को सामने बिठा लो, वो कहेंगे सबसे ईमानदार मैं हूं। आज अलीम खान को सामने बिठाओ, सबसे ईमानदार वो है। सारों को छोड़ो, सबसे बड़े डाकू जरदारी को बिठा लो, अच्छा उससे बड़ा चोर बाहर से इंपोर्ट करके बुला लो नवाज शरीफ, उसको बिठा लो, वो कहेगा मुझसे दयानतदार कोई नहीं है। कौम का पैसा वापस लाने के लिए तुमने क्या क्या ढोंग किए, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत सही हो तो हमारे बाबा जी फरमाते थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ मस्जिद से सल के घर तक गए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था। तुमने कहा था मैं आते ही गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर इसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा। हमारा यह दावा नहीं है कि हम गवर्नर हाउस गिराकर उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा दावा यह है कि हमारा गवर्नर गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, उसकी इमारत को जहां भी सरकारी इस्तेमाल की जरूरत पड़ी हम उसको करेंगे। हम बात वो करेंगे जिस पर अमल करके दिखाएं। हम कौम को वो सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे
जो दिखाकर हमें यू टर्न लेने पड़े और झले वासी तो हथकड़ियां पा के फांसी वाली चक्की जाके यू टर्न नहीं लिया। साढ़े बाबा जी ने सानू यू टर्न सिखाया ही नहीं, हमारे बाबा जी ने हमें एक ही बात सिखाई है, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लंबे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच। हाँ, ये जो जमा तफरीक की सियासत, ये जो मईशत का अदम इर्तिकाज है, ये सारी चीजें अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कर सकती है, क्योंकि ना हमारे किचन किसी ब्लैक लिस्ट और ब्लैकिए के पैसों से चलते हैं, ना हमारी गाड़ियों में पेट्रोल किसी दो नंबर चीनी बेचने वाले के पैसों से आता है, ना हम इस मुल्क को खाने वालों के हेलीकॉप्टरों में सैर करते हैं। हमें जहां जरूरत पड़ी हम पैदल चल पड़ते हैं, जहां जरूरत पड़े साइकिल पे बैठ जाते हैं, जहां जरूरत हो गाड़ियों पे बैठ जाते हैं, जहां जरूरत हुई जहाज पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन कौम के लूटे हुए माल से नहीं। क्योंकि तुम इसलिए कुछ नहीं कर सकते इन चोरों के बारे में, इन महंगाई बढ़ाने वालों के बारे में, इनके बारे इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे किचन इनके पैसों से चलते हैं, तुम्हारी अयाशियां इनके पैसों पर मुनहसर हैं, और तुम्हारी सारी चीजें इनके जनाब एटीएम कार्ड्स पर हैं। हमारा एटीएम एक ही है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। तो कराची वालों, बाबा जी हमें एक बात बता गए हैं कि चलने में बरकत है, जब तक चलते रहो आती रहेगी, और जितना तेज चलोगे, जितनी लगन से चलोगे, जितने इखलास से चलोगे, तुम्हारी मंजिल उतनी करीब होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, और वो बात को कान खोल कर सुन लेना कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हासिद तुम्हें जेलों में लेकर जाकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम्हें शहीद कर तुम्हें जख्मी कर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब वो तुम्हारी सफों में दड़ाने पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अपने हाथ दूसरे भाई के हाथ में ऐसे थाम लो, ओहदों की क्या बात है यार, मैं अभी तुम्हारे साथ नीचे खड़ा हो जाता हूं। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। बाबा जी हमारी आंख में सोना और मट्टी बराबर करके गए हैं। हम सब की मंजिल वो है कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है, और उसके लिए हमने आपस में जो अपने भाई हैं उनके बाजू पकड़ के रखने हैं, और नहीं जाना इस तरफ। यार मैनू कोई ऊंची गल हो, मुझे कोई ऊंची बात हो भी गई है, शान में कोई गुस्ताखी हो भी गई है, तो क्या बात, तू ये तो देख कि जब तेरे नबी के बारे में गुस्ताखी हुई तो ये तो बंदा मैदान अमल में था या नहीं। कुछ नहीं होता ये चार। अब दुश्मन की आखिरी जरब है, वो आपकी सफों को तोड़ना चाहता है, लेकिन आप अपनी सफें ज्यादा मजबूत करके उसको ये पैगाम दे दें कि मर जाएंगे जालिम। अब आपका पैगाम अपने आप को मुतहद करना, और गली गली में जाओ, कूचे कूचे में जाओ, नगर नगर में जाओ, हर दरवाजा खटकाओ, उन्हें बताओ कि उम्मत के असल वारिस आ गए हैं, कौम के हकीकी तर्जुमान आ गए हैं, पाकिस्तान को अपनी मंजिल के तक पहुंचाने वाले वो लोग हुजूर के गुलाम आ गए हैं, जिनको ना इक्तदार की लालच है, ना जनाब पैसे की हवस है, उनको अगर किसी मकसद की लालच है वो ये है कि ये उम्मत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर खुशहाल हो जाए, और हम सब की निजात हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ और उनके निजाम से वाबस्ता रहने की है इंशाल्लाह। ये जो महंगाई हुई है ना, इसमें कौम का भी एक कसूर है। आखिरी बात कर रहा हूं कि आप कह रहे थे तब्दीली आलन आजमा लियो, थोड़ा जा आजमा लीजिए, अगर कोई मजीद कसर है तो फिर आजमा लो है। अब इन सब चोरों डाकुओं से जान छुड़ाओ और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने की मेहनत करो, सुबह शाम मेहनत करो, और इस तरह निकलो कि तुम्हें किसी की झिझक नहीं होनी चाहिए, किसी की शर्म नहीं होनी चाहिए। वो पूरा सिंध लूट कर अगर महंगाई मार्च कर सकता है, आजादी मार्च कर सकता है, तो हम तो वो हैं कि जिनके दामन पर ना करप्शन का दाग है, ना गद्दारी का दाग है, ना बैरूनी मुल्क से बैरून पैसा भेजने का दाग है,
ना लिसानी दाग है, ना कौमियत का दाग है। हमने तो नारा ही वो लगाया जो पूरी उम्मत का नारा है कि मन सब नबी जन, मन सब नबी जन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल की गहराइयों से दुआ फरमाएं सैयद शुहदा हजरत हमजा हुजूर गौसे पाक के सदके रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हमेशा हमारे अमीर मोहतरम को फतह का झंडा अता फरमाए। 8 बजे तक नमाज का टाइम है, मगरिब की नमाज पढ़ लें। खवातीन के लिए ये ऐलान समाप्त करें। खवातीन का कल कन्वेंशन है अस्करी पार्क फैजान मदीना के साथ, खवातीन का कन्वेंशन है जिससे अमीर मोहतरम इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। आप अपने खवातीन को जरूर कल 2 बजे से 5 बजे तक जरूर भेजिएगा। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पहला हो सलाम। फतह बाब नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। नमाज़े मगरिब का वक्त ख़त्म होने वाला है, इससे पहले आप